तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इजीली बाय यूजिंग ट्रिक। अगर हमारे पास दो डिजिट का कोई नंबर है 13, इसका स्क्वायर हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 6 1, 169। 13 का स्क्वायर 169। इसी को हम लोग एक ट्रिक से बनाएंगे। अगर 13 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पे जो डिजिट है इसका स्क्वायर निकालेंगे। और पूरा नंबर है 13, 13 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 13 में वंस प्लेस वाले डिजिट को हम लोग ऐड कर देंगे 16। अब इसको और इसको मिला दीजिए 169, एकदम आसानी से हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्वेल्व का स्क्वायर फाइंड करना है, वंस प्लेस पे है 2, 2 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, और पूरा नंबर है 12, यहाँ 12 लिखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 12 में वंस प्लेस पे जो डिजिट है 2 उसको ऐड कर दीजिए 14, दोनों को मिला दीजिए 144, 12 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, 11 के वंस प्लेस पे है 1, 1 का स्क्वायर निकालिए 1 आएगा, दोनों डिजिट को मिला के नंबर बनता है 11, 11 यहाँ लिखिए, और वंस प्लेस पे है 1, 1 को ऐड कर दीजिए 12, दोनों को मिला दीजिए 121, हो गया 11 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 15 का। 15 का स्क्वायर कैसे निकला, वंस प्लेस पे 5 है, 5 का स्क्वायर निकालिए, होता है 25, ठीक है, और पूरा नंबर है 15, यहाँ लिखिए 15, ठीक है, वंस प्लेस पे है नंबर 5, ठीक है। अब सिर्फ 5 ही नहीं ऐड करना है इसमें, यहाँ देखिए 11, 12 और 13 का जब हम लोग स्क्वायर फाइंड कर रहे थे तो इधर सिर्फ एक ही डिजिट में आंसर आ रहा था, यानी वंस प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे थे तो सिर्फ एक डिजिट में आ रहा था, यहाँ 15 में दो डिजिट में आया है ना, तो 2 यहाँ कैरी करेंगे। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए 15, 5, 20, 20 और 2, 22, और ये है यहाँ बचा 5, 225, यही है 25 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं 17 का स्क्वायर, वंस प्लेस पे है 7, 7 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, 7 जा 49, ठीक है, और पूरा नंबर है 17, यहाँ लिखिए 17, और वंस प्लेस वाला नंबर ऐड करना होता था, वंस प्लेस में है 7, 7 को ऐड करेंगे, और यहाँ 49 में से 4 कैरी हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए 17, 7, 24, 4, 28, और यहाँ बचा है 9, 289, 289, ये है 17 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं 19 का स्क्वायर,
वंस प्लस पे है 9, 9 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, 9 9 जे 81, पूरा नंबर है 19, इसमें वंस प्लस वाला नंबर जोड़ना है 9, और फिर यहाँ से 8 कैरी होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, 99 28 28 8 36, और यहाँ बच गया 1, 8 कैरी हो चुका है यहाँ, इसलिए 1 बचा। अब दोनों को मिला दीजिए, 361, 19 का स्क्वायर 361। इस तरह से हम लोग किसी भी दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से इस ट्रिक का यूज़ करके पता कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 11 से 19 तक ही वैलिड है, यानी ये ट्रिक सिर्फ 11 टू 19 तक ही वैलिड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया ट्रिक सीखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।